क्या तुम्हें भी नोट टाइप जैसी एनिमेशन सीखनी है, वो भी 5 मिनट के अंदर? तो आ जाओ बॉस, सिखा दूंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे भी नोट टाइप कैसे करना नहीं आता है, तुम्हें कहाँ से सिखाऊँ? मजाक कर रहा था, आती है मुझे नोट टाइप की एनिमेशन, आओ सिखाता हूँ तुम लोगों को। स्टेप नंबर 1 एनिमेशन। मैं जानता हूँ एनिमेशन काफी ज्यादा मुश्किल होती है, बिल्कुल मेरे नाम की तरह, बट नोट टाइप की एनिमेशन करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उसमें स्कॉच एंड स्ट्रेस होता है, क्योंकि तुम पिलपकले में बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है। फ्रेम 2 में कैरेक्टर हाई कर रहा है और फ्रेम 1 में मेरा कैरेक्टर चुपचाप खड़ा हुआ है। तुम्हें दोनों फ्रेम को डुप्लीकेट करना है और एक में स्कॉच और दूसरे में स्ट्रेस करना है, और तैयार है तुम्हारी एनिमेशन। स्टेप 2 बैकग्राउंड। अभी बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि नोट टाइप के पेड़ों की ज्यादा बैड एस होती है और बैकग्राउंड एक कलर काफी ज्यादा ब्राइटर होती है। अगर तुम्हें ऐसे बैकग्राउंड बनाने हैं तो मैं IPX का यूज ना करते हुए फिल्पा क्लिप का यूज करना है। अब मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन भाई फिल्पा क्लिप से तो एनिमेशन होती है, ये बैकग्राउंड कब से बनने लगे और IPX में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं? ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि IPX में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यू आर रॉन्ग, उसमें कहीं भी स्ट्रेट लाइन खींचने का कोई फीचर नहीं होता है। लेकिन ये फीचर फिल्पा क्लिप में है, जिससे तुम इजीली अपने बैकग्राउंड को बना सकते हो। और अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं बैकग्राउंड पे एक अलग से वीडियो बनाऊं, इस पे मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को समझाऊं, तो तुम लोगों को इस पर 150 लाइक करने होंगे, तो वो वीडियो भी आ जाएगी। स्टेप 3 स्क्रिप्ट। तो तुम लोगों को नोट टाइप या चीज स्क्रिप्ट लिखनी है, तो तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट के जोक बिना सर पैर के लिखने होंगे। फायदा मेरे सर पैर कहाँ गए बे? देखा डैम, बिल्कुल इसी प्रकार तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, जिससे तुम्हारी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। क्योंकि मेरा मानना ये है, एक वीडियो को सिर्फ 2 चीज अच्छा बनाती है, पहला स्क्रिप्ट और दूसरा सलमान।